जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी माध्यम के दूसरे चैप्टर संधारित्र यानी विभव और धारिता वाले चैप्टर के अंतर्गत हम संधारित्र के प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व का अध्ययन करने जा रहे हैं। ये भी डेरिवेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस डेरिवेशन को हमें अच्छी तरह से समझना है, अच्छी तरह से तैयार करना है। इस डेरिवेशन को मैं बताना शुरू करूं, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुँचती रहे, और चैनल को मैक्सिमम स्टूडेंट से मैक्सिमम फ्रेंड से सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर करें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें भी, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। संधारित्र के प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व, सबसे पहली बात हम आपको ये बता दें कि यहाँ संधारित्र के रूप में हम समांतर प्लेट संधारित्र की कल्पना कर रहे हैं। एक बात और हम आपको बता दें कि जब समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच में जब वायु होता है, यानी कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं होता है तो वायु होता है, उस स्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र को समांतर प्लेट वायु संधारित्र कहते हैं। और दूसरी चीज हम ऊर्जा घनत्व के बारे में बता दें तो ऊर्जा घनत्व क्या है, तो इकाई आयतन की ऊर्जा को ही किसी संधारित्र के एकांक आयतन की ऊर्जा को ही ऊर्जा घनत्व हम कहते हैं। तो देखें, हमने कल्पना किया है कि कोई समांतर प्लेट संधारित्र है जिनके प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा है। तो अगर कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा गया है तो वायु है, और इसलिए इस संधारित्र को हम समांतर प्लेट वायु संधारित्र कह रहे हैं। हम मान लेते हैं कि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है और प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल डी है। आपको पता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी इजकल टू एप्साइलेन जीरो ए अपान डी होती है। अगर प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भरा गया होता तो यहाँ पर के होता, लेकिन कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं है, वायु है, और वायु के लिए के का मान वन होता है, इसलिए सी इजकल टू एप्साइलेन जीरो ए अपान डी हो जाएगा। और आपको ये भी पता है कि संधारित्र की ऊर्जा के लिए पिछले टर्म में हम लोग पिछले वीडियो में डेरिवेशन किए हैं, U इजकल टू होता है हाफ सी वी का स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर रख देते हैं, तो चलिए देखें, रखा जाता है वैल्यू, फिर क्या मिलता है यहाँ पर। तो U इजकल टू ये हो गया हाफ, C की वैल्यू है एप्साइलेन नॉट ए अपॉन डी, और ये है भी भी ये वोल्टेज है, विभवांतर है, भी का स्क्वायर है। अब देखें, प्लेटों के बीच आवेश होता है तो आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र होता है, और जहाँ वैद्युत क्षेत्र होता है वहाँ वैद्युत विभव भी होता है। तो इस प्रकार आपको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव के मध्य आपको संबंध बताया गया था, E इजकल टू भी अपान डी होता है। और अगर यहाँ से भी की वैल्यू हम निकालें तो भी इजकल टू हो जाएगा
E into D, अब हम यहाँ रख देते हैं ढी की वैल्यू, यहाँ रख दिया जाए तो रखने के बाद फिर देखें वैल्यू क्या मिल रही है, तो U इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ एप्साइलन नॉट ए अपॉन डी, और भी के जगह पर ई इंटू डी है तो भी का स्क्वायर है तो ई इंटू डी का स्क्वायर हो जाएगा, और ई इंटू डी का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर और फिर हो जाएगा डी स्क्वायर। तो देखें फिर क्या होगा, डी से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अब ये हो जाएगा यू इज इक्वल टू हाफ एफ साइलेन नॉट, और ये ई स्क्वायर हम पहले लिख देते हैं और फिर ये हो जाएगा ए इंटू डी। ज़रा अब हम ए इंटू डी को देखें कि ए इंटू डी क्या है, लेकिन वैसे हम आपको बता दें कि ये समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा है। जब प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र आपको मालूम हो और परावैद्युत पदार्थ, ये वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पहले से ही पता है, तो अगर आपको प्लेटों का क्षेत्रफल ए का मान मालूम हो, प्लेटों के बीच की दूरी डी की वैल्यू मालूम हो, प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान मालूम हो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, तो इन सब का मान रख करके हम संधारित्र की ऊर्जा निकाल सकते हैं। ये ऊर्जा घनत्व तो नहीं है, अब इसमें हम आयतन से भाग देंगे। तो ज़रा ध्यान दीजिए कि आयतन क्या होता है। अगर आयतन को हम भी डैश माने, क्योंकि यहाँ पर भी को विभवांतर मान चुके हैं, तो अगर हम आयतन को भी डैश माने तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, तो भी डैश बराबर ये लंबाई गुणे चौड़ाई है, लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, और यहाँ ऊंचाई जो होगा वो प्लेटों के बीच की दूरी के बराबर होगा, तो प्लेटों के बीच की दूरी डी है। तो अब देखें हम ये आयतन, ये क्षेत्रफल है और ये बीच की दूरी है, लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, और ऊंचाई यहाँ नहीं होगी, यहाँ ऊंचाई प्लेटों के बीच की दूरी के बराबर होगी, तो ये डी है, तो ए इंटू डी के जगह पर हम भी डैश कर लेंगे। और फिर आप दिमाग में रखे रहिएगा कि भी विभवांतर है और भी डैश आयतन है। चलिए अब हम आयतन से भाग देंगे तो एकांक आयतन की ऊर्जा निकल जाएगी, तो यहाँ पर U अपान भी डैश कर देंगे तो ये एकांक आयतन की ऊर्जा हो जाएगी, और ये हो जाएगा देखिए हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी, और आपने देखा है कि भी डैश की वैल्यू ए इंटू डी के बराबर होती है, तो यहाँ पर हम कर देंगे ए इंटू डी, ये आयतन है तो आयतन से आयतन कैंसिल हो जाएगा, और देखें एकांक आयतन की ऊर्जा को किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच, एकांक आयतन की ऊर्जा को ही ऊर्जा घनत्व कहते हैं, और इसको हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी यू अपान भी डैश को हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और फिर ये मिला आपका हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो अब इसको आप अच्छी तरह से याद रख के रहेंगे, ये फार्मूला रहा समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच के ऊर्जा घनत्व का, लेकिन ये फार्मूला तब रहा जब प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा था। अच्छा, अगर हम ये मान लें कि प्लेटों के बीच कोई ऐसा परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है जिसका परावैद्युतांक के है,
तो अगर के परा वैद्युतांक का परा वैद्युत पदार्थ भरा होगा तो U इजकल टू हम यहाँ पर K से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं ये समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच की ऊर्जा निकली, ये समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच का ऊर्जा घनत्व निकला जब प्लेटों के बीच वायु भरा हो, और ये भी ऊर्जा घनत्व है लेकिन तब है जब प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भरा गया है। तो ये टर्म्स है कंप्लीट होता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं तो इस प्रकार संधारित्रों के प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व का डेरिवेशन आप लोगों ने देखा। ये डेरिवेशन आप सभी लोगों को अच्छी तरह से जरूर समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और आप बेल आइकन को प्रेस भी करेंगे। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर भी करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।